लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस करेगा। एआईसीसी मुख्यालय में यानी जो कांग्रेस हेडक्वार्टर है वहां सुबह 11:30 पर घोषणा पत्र जारी किया गया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सभी दल जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं। चुनावी प्रचार के बीच आज कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई तरह की गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए तैयार की गई हैं। पार्टी की घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी रहेंगी। कांग्रेस मिशन 2024 के घोषणा पत्र में कई बदलाव करने वाली है। कांग्रेस 5 न्याय का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस के 5 न्याय इस प्रकार हैं: किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। इसके अलावा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे किए जा सकते हैं। कांग्रेस जाति जनगणना करवाएगी, स्वच्छर कमेटी की सिफारिश, ओपीएस का वादा, 30 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर सकती है। घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपए महीना देने का वायदा, अग्निवीर योजना बंद, एमएसपी की गारंटी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा, डीजल पेट्रोल कीमत कम करने का वादा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य और लद्दाख को विशेष राज्य दर्जा देने का वादा कर सकती है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे। इन गारंटी कार्ड को 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटियों की जानकारी है। अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर कांग्रेस कश्मकश में है। खबर है कि पार्टी पहली बार आज केंद्रीय चुनाव समिति में गांधी परिवार को यहां से चुनाव लड़ने को कहेगी। अमेठी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। 5 साल बाद कांग्रेस अब भी फिर इस परंपरागत सीट को बीजेपी से छीनने की कोशिश में जुटी है। खबर है कि आज पहली बार केंद्रीय चुनाव समिति सोनिया गांधी और खड़गे के सामने कहेगी कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार लड़े। मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी रिप्रेजेंट करूं। 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता था। राजीव गांधी ने अमेठी से राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1981 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को हराया। लेकिन अभी हालात जस के तस हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। अच्छी बात है, गांधी परिवार में अगर वो उनको मौका मिलता है लड़ने का तो उनको मुबारक हो, जाएं लड़ें, लेकिन जीतेंगी वहां स्मृति ईरानी ही। और देखिए बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया। यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का तंज, हमें अभी तक रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला। कांग्रेस के लिए आवेदन किया है तो उनकी सास और उनके साले जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन नहीं मिला। अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। और राजस्थान में आज विपक्षी दलों की नजरें भी पीएम मोदी की होने वाली रैली पर लगी हुई हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान के चुरू में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के शेखावटी में सियासी पारा भी बेहद गर्म हो गया है। पीएम मोदी चुरू में आज बड़ी रैली करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे चुरू के पुलिस लाइन में विजय संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। चुरू के हॉट सीट होने की वजह से पीएम मोदी की इस सभा पर विपक्ष की भी निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान होना है। चूंकि राजस्थान में काफी सियासी उलटफेर हुए हैं, इस वजह से राजस्थान की हॉट सीट में से एक चूरू लोकसभा सीट पर सभी की नजर है। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वां अब कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट बेहद अहम बनी हुई है। चूरू सीट से बीजेपी ने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है। आदरणीय मोदी जी का साफा पहनाकर स्वागत करें।
पीएम मोदी की चुनावी सभा को देखते हुए बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीएम की सभा को लेकर चूरू की जनता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं चूरू जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम के कार्यक्रम के दौरान फ्लाइंग जोन के साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। पुलिस लाइन के मुख्य मैदान के पास ही दूसरे मैदान को भी सभा के लिए कवर किया गया है। चूरू की लोकसभा सीट पीएम मोदी के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि 5 साल पहले पीएम ने यहीं से देश की फिजा बदली थी। पीएम मोदी यहां दूसरी बार आ रहे हैं। पिछली बार वे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आए थे। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से 3 और उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कल गुजरात की 3 सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए। कांग्रेस अब तक कुल 235 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 12 अलग अलग सूचियां उसने जारी की हैं। कल कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पोधियार को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फिलहाल रायबरेली लोकसभा सीट है। इस बार यहां से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। अमेठी सीट 2019 में ही राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों गवा चुके हैं। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस को एसपी ने यूपी की 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा को टिकट दिया, जबकि वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खड़े होंगे। कानपुर से आलोक मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस झारखंड की 14 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इनमें से 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अब भी 11 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया जाना बाकी है। झारखंड में नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल को शुरू होगी। इसके बाद कांग्रेस बाकी बची सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मीडिया से बात करेंगे। 10 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जेल से निकलने के बाद एक बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है संजय सिंह के द्वारा। 6 महीने बाद संजय सिंह जेल से निकले हैं और तब से बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह काफी आक्रामक दिख रहे हैं। ऐसा कोई मौका नहीं है जहां वो बीजेपी को घेरने में चूक रहे हों। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। आपने अपने पोस्ट में लिखा है कि कल शेर सुबह 10 बजे दहाड़ेगा, संजय सिंह सबसे बड़ा एक्सपोज करेंगे। आपने ये दावा किया है कि संजय सिंह आज कई खुलासे कर सकते हैं। आपके सभी बड़े नेता जेल में हैं, ऐसे में संजय सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और वहीं जेल से रिहा होने के बाद टीवीनान भारतवर्ष से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगे की रणनीति पर भी बात की। संजय सिंह के मन में आखिर क्या है, यह आप सुनिए। 6 घंटे भी घर पे नहीं रुके हैं, तो अब आगे चुनाव प्रचार या जो जिम्मेदारी उनको निभाने के लिए तैयार है? देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भाजपाइयों ने और इस देश की तानाशाह हुकूमत ने जेल में रखा हुआ है, और इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि 10 गुना ज़्यादा मेहनत से काम करें। जेल का जवाब वोट से देना है, जनता के बीच में जाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता को और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए। सुना है पीएमएलए पढ़ के आए आप? आत्मबल और मजबूत हुआ है, बहुत सारी किताबें पढ़ी जेल में, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, भगत सिंह जी को पढ़ा, तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ा। अच्छा मौका मिला अपने आत्मबल को, अपने जज्बे को और मजबूत करके इनसे लड़ने के लिए बाहर आया हूँ। भाभी जी के आंखों में आंसू देखा मैंने पहली बार, और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। इन आंसुओं का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का हिसाब दिल्ली की जनता लेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जल्द ये लोग बाहर आएंगे, इनको न्याय मिलेगा। आप कह रहे हैं जेल सरकार चलेगी, एलजी कह रहे हैं नहीं चलेगी। एलजी थोड़ी संविधान निर्माता, एलजी तो मैं तो जानता हूँ कि बाबा साहब है संविधान निर्माता, ये विनय सक्सेना ने कब बनाया संविधान, तो मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है। एलजी नहीं तय करेंगे ना भाई, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना है ना केजरीवाल जी को। और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है। ये देखते हैं चार्जशीट में क्या कहा गया है। चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चुनाव में फंडिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट तजेंद्र पाल सिंह,
एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनबीसीसी के तत्कालीन फरीदाबाद जोन के जनरल मैनेजर शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने आरोपियों की 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति भी अटैच की है। शराब नीति घोटाले में भी पैसा आपके पार्टी फंड में जाने की बात एजेंसी ने कही है। और संजय निरुपम को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। पार्टी से निकाले जाने का ठीकरा उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर फोड़ा जा रहा है। संजय निरुपम का कांग्रेस से निष्कासन को महाराष्ट्र की राजनीति का पावर गेम बताया जा रहा है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उद्धव शिवसेना और शरद पवार एनसीपी के कम विधायक होकर भी उनको दबा रहे हैं। कांग्रेस को जो है विचार करने के लिए मजबूर करती है कि कांग्रेस ने जो है इस महाविकास आघाड़ी जो बनी है इनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है सही मायने में चल रहा है या कुछ और एजेंडा चल रहा है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का सवाल है, उनको जाके उनके नेताओं को जाके आपने पूछना चाहिए। खबर है कि संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस पर राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि जो भी विकास की नीति पर विश्वास कर साथ आना चाहेगा उनका हम स्वागत करेंगे। पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सभी लोगों को साथ में लेकर हम काम करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र के हित में काम कर सकता है, उनमें काम करने की क्षमता है, योग्यता है, ऐसे लोगों का हम अवश्य स्वागत करेंगे। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। 5 चरण में चुनाव है, इस वजह से समय पर आपसी विचार विमर्श के साथ सीटें घोषित होंगी। और वहीं खबर यह है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 2 सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया। आखिर किस किस का टिकट कटा है, आप देखिए रिपोर्ट। शिवसेना शिंदे गुट ने महाराष्ट्र के हिंगोली में मौजूदा सांसद हेमंत पाटिल को हटाकर उनकी जगह बाबूराव कदम कोहलीकर को टिकट दिया है। दरअसल शिवसेना की पहली लिस्ट में हेमंत पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा की थी, लेकिन अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई के विरोध के बाद उनका नाम वापस लेने की घोषणा की है। जो भी एक दो जगह पे हमने डिसीजन चेंज किया है या उम्मीदवारी चेंज की है, वो जो मौजूदा सांसद थे उनसे बात करके उनके साथ चर्चा करके ये डिसीजन लिया है। हमारे पार्टी में ऐसा कोई भी नाराज नहीं है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। एनसीपी शरद गुट ने बीड और भिवंडी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीड से बजरंग सोनवणे को टिकट दिया है। बजरंग सोनवणे ने हाल ही में अजित पवार गुट को झटका देते हुए शरद पवार का दामन थाम लिया था। बीड से बीजेपी की पंकजा मुंडे उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही भिवंडी से सुरेश उर्फ बालियामामा महात्रे को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी से कपिल पाटिल मैदान में हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इससे पहले शरद पवार गुट वाली एनसीपी ने 30 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पहली सूची में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। वर्धा से अमर काले, डिंडोरी से भास्कर भगरे, बारामती से सुप्रिया सुले, शिरूर से अमोल कोले, अहमदनगर से निलेश लंके। दोनों घोषणा के बाद अब तक कुल 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को एक बार फिर से बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। सुप्रिया सुले बारामती से 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। वो 4थी बार यहां से चुनावी मैदान में हैं। एमवीए में एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रावेर, सतारा और माढ़ा इन 3 सीटों के लिए उम्मीदवारी घोषित करना बाकी है। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यूपी मदरसों को सरकार से पैसे मिलने वाला कानून रहेगा या नहीं, इस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में आज अहम सुनवाई होगी। मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था।
जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश देता था। फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होगा। और लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है और इसी बीच 22 मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे तय हो गए। आजम खान समाजवादी पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं। कई प्रत्याशियों के चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी राय ली है। ऐसे में कानून शिकंजे के बाद चुनावी माहौल पर असर होने की आशंका जताई जा रही है। कोर्ट ने आजम खान के साथ कुल 12 लोगों के खिलाफ कुल 22 मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैं। दरअसल थाना अजीम नगर में 2019 में किसानों की जमीन कब्जा करने के मुकदमे दर्ज हुए थे। इस मामले में आजम खान के साथ पूर्व CEO आले हसन, तत्कालीन थाना अध्यक्ष कुशलवीर, आनंदवीर सिंह तत्कालीन लेखपाल, विधायक नसीर अहमद खान, फसी जैदी, तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम, निगाहत अखलाक, जाही उर हमान सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। दो हफ्ते पहले रामपुर की अदालत ने पूर्व मंत्री आजम खान और तीन अन्य को एक घर गिराने के मामले में दोषी ठहराया था। ये मामला भी 2019 की घटना से जुड़ा है, जब डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के लिए कई मामले दर्ज किए गए थे। इधर कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में MP MLA सेशन कोर्ट में एक बार फिर से फैसला नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले में 6 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। पेशी पर पहुंचे इरफान का अचानक गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर की पेशी पर आया हूं या कोर्ट की? कहां रखा? हमें जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था पेशी पे? इस बीच इरफान सोलंकी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। हमने शिकायत करी कि हम जानवर हैं, पेशाब नहीं करने, रोजे के लिए रोजा रखने के लिए पानी नहीं पीने दे रहे, भूखे प्यासे। और गुरुग्राम में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। CM, फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। किडनी रैकेट के तार बांग्लादेश से लेकर गुरुग्राम के साथ ही जयपुर से जुड़े हैं। बांग्लादेश से मरीज और डोनर दोनों को मेडिकल वीजा के सहारे कोलकाता लाया जाता था। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में ठहराया जाता था। टीम ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक किडनी डोनर है, 2 वे लोग हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। 2 किडनी डोनर पुलिस कार्रवाई से पहले ही वहां से फरार हो गए। CM उड़न दस्ता के अनुरोध पर CMO गुरुग्राम द्वारा एक बोट गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी, उसकी जांच के लिए यहां कार्रवाई की गई। टीम ने छापेमारी के दौरान एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है। ये युवक किडनी बेचने के लिए यहाँ आया हुआ था। बांग्लादेश से नेपाल बॉर्डर से आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों में 2 पाकिस्तानी भी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलर्ट UP ATS ने नेपाल के रास्ते देश में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। तीनों फर्जी दस्तावेज के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी नागरिक शामिल है। तीनों की पहचान मोहम्मद अल्ताफ, सैयद गजनफर और नासिर अली के रूप में हुई है। उनका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन और ISI से है। ये भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। ATS ने आरोपियों के पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज, पाकिस्तानी दस्तावेज और पासपोर्ट बरामद किए हैं। और अब भारत के पराक्रम से जुड़ी खबर है। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जल्द ही सेना में शामिल होगी। यह DRDO की विकसित की गई स्वदेशी अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसके सफल परीक्षण के बाद दुश्मन देशों में हड़कंप है। ये तस्वीरें चीन पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी हैं।
ये हिंदुस्तान का शौर्य बढ़ाने वाली वो अग्नि प्राइम मिसाइल है जिसका टेस्ट ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि मिसाइलों की रेंज में बेहद घातक है। आधुनिक और मीडियम रेंज की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का है। ये मिसाइल बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम है और इसमें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी परमाणु तबाही मचाने की क्षमता है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं, एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक थर्मोबैरिक या परमाणु हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। सॉलिड फ्यूल से उड़ने और दो स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस अग्निपी मिसाइल में उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो तकनीक लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 3 और अग्नि 5 में इस्तेमाल की गई है। हरियाणा पुलिस ने नशे में पुलिस के साथ मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ एक्शन लिया है। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हंगामे और पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई। थाना खेड़ी पुल इलाके में पुलिस की पिटाई का यह मामला 20 मार्च के आसपास का बताया जा रहा है। आरोपी युवक स्विमिंग पूल में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जब युवकों को ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। न्याय और 25 गारंटी पर होगा फोकस। AICC मुख्यालय में सुबह 11:30 पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद, जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, अमेठी रायबरेली सीट पर होगी चर्चा। गांधी परिवार को चुनाव लड़ाने पर होगी बात। गांधी परिवार पर अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का दबाव। राज्य संगठन के बाद CEC की राय, दोनों सीट छोड़ी तो उत्तर भारत में पार्टी को बड़ा नुकसान। आज सोनिया खड़गे को अपना रुख बताएगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति। कांग्रेस नेता दोनों ही सीटों पर एक बार फिर गांधी परिवार को चुनाव लड़ते देखना चाहते। गुजरात में कांग्रेस के 3 और प्रत्याशी घोषित। सुरेंद्रनगर से ऋतिक भाई मकवाणा को टिकट, जूनागढ़ से हीरा भाई जोतवा उम्मीदवार। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा दावा, कहा अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं वहां से जीतकर संसद में उनकी आवाज उठाऊं। आज राजस्थान में गरजेंगे पीएम मोदी, चुरू और झुंझुनू में करेंगे रैली। चुरू सीट से बीजेपी ने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को दिया टिकट। पीएम 10 बजे विजय संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 अप्रैल को रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसी दिन शाम 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बिहार और बंगाल में की रैली। इंडिया गठबंधन पर किया हमला। बंगाल के कूचबिहार में पीएम मोदी की रैली, खुद को बताया जनता को जनार्दन का सेवक। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, का हमें अभी तक वाड्रा की तरफ से नहीं मिला कोई आवेदन। चुनाव तैयारियों पर चुनाव आयोग की अहम बैठक और निर्वाचन और प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक। रिहाई के बाद संजय सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 10 बजे करेंगे कई बड़े खुलासे। आपने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा सुबह 10 बजे दहाड़े का शेर, संजय सिंह करेंगे बड़ा एक्सपोज़। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने की शिकायत, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पोस्टर पर आपत्ति जताई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने दाखिल की 8,000 पन्ने की चार्जशीट। आरोपियों के 8,80,00,000 की संपत्ति अटैच, शराब घोटाले का भी पैसा आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में। ईडी का आरोप, आम आदमी पार्टी को फंडिंग के लिए अफसरों को दी गई 2 करोड़ की रिश्वत। ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। एनसीपी शरद पवार गुट ने जारी की दूसरी लिस्ट, बीड से पंकजा मुंडे के खिलाफ बजरंग सोनवाणे को टिकट, अब तक 7 उम्मीदवार घोषित। मंडी से कंगना रनौत ने सुंदरनगर में किया चुनाव प्रचार, कहा जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पीएम ने 10 सालों में कर दिया। देहरादून से इंडिया गठबंधन पर जेपी नड्डा का हमला, बोले ये लोग सिर्फ घोटाला करते हैं। हरियाणा महिला आयोग का रणदीप सुरजेवाला को नोटिस, हेमा मालिनी पर बयान को लेकर दिया नोटिस। रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर हेमा मालिनी बोली, ऐसे लोगों को प्रियंका जी समझाएं। जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लिया। हेमंत सोरेन का विवादित प्लॉट कुर्क किया गया। शिंदे गुट ने अपने मौजूदा 2 सांसदों के टिकट काटे, हेमंत पाटिल की जगह बाबूराव कदम, भावना गवली की जगह राजश्री पाटिल को टिकट दिया गया।
कांग्रेस से निष्कासन के बाद संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस में 5 पावर सेंटर, कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी। संजय निरुपम पर नाना पटोले का पलटवार, कहा निरुपम के सिद्धांत और सियासत को लगा जंग, कांग्रेस के अंत की भविष्यवाणी करने वाले बहुत आए और गए। संजय निरुपम को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल किए जाने पर बोले श्रीकांत शिंदे, सही समय आने पर फैसला लेंगे, सीएम करेंगे फैसला। संजय निरुपम पर बोले मिलिंद देवड़ा, जो हमारी विकास की नीतियों के साथ है उसका स्वागत है। बंगाल के शिक्षा मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से हटाने के लिए कहा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव अनोखे अंदाज में बाइक चलाकर नामांकन भरने पहुंचे, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। एसपी ने मेरठ से फिर से बदला प्रत्याशी, सुनीता वर्मा को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी के अरुण गोविल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नवनीत राणा ने अमरावती में नामांकन से पहले बजरंग बली के दर्शन किए, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें मिली है राहत, कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया। तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने भरा नामांकन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे साथ में, कांग्रेस ने सीट से शशि थरूर को टिकट दिया। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के बागी नेताओं पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा सारे बागी नेता भ्रष्ट, जल्द जाएंगे जेल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बोले सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए, एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। सीएम हेमंता शर्मा ने उदलगुरी से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप सैकिया के लिए रोड शो किया, असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता और यूपीपीएल प्रमुख प्रमोद बोरे मौजूद रहे। दमोह से लोकसभा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के समर्थन में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया, चुनाव में जिताने की अपील की। यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर 18 अप्रैल को फैसला आएगा, आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संगमित्रा के खिलाफ जारी किया वारंट, 16 अप्रैल को सुनवाई। उत्तराखंड के रुड़की में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग, बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव का वीडियो वायरल, बोले वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब भी होगा। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोकसभा चुनाव को लेकर संभाली कमान, श्री फतेहगढ़ साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए बैठक। संजय निरुपम के शिंदे ग्रुप ज्वाइन करने पर बोले कृष्णा हेगड़े, कहा शिंदे और फडणवीस के सामने रखूंगा अपना विरोध। सचिन पायलट बोले अशोक गहलोत के साथ मतभेद खत्म, उनके बेटे वैभव के लिए करूंगा चुनाव प्रचार। पूर्व सीएम बिप्लब देव ने त्रिपुरा में किया रोड शो, पश्चिमी त्रिपुरा से बीजेपी के उम्मीदवार है बिप्लब देव। अबुधाबी के बीएबीएस हिंदू मंदिर ने पहले रमजान कार्यक्रम औसियत की मेजबानी की, यूएई के मंत्री भी हुए शामिल। हैती संकट को देखते हुए भारत चला रहा है ऑपरेशन इंद्रावती, दिल्ली पहुंचे पर फेरोज वालाकेटू ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पेंसिल्वेनिया में तूफान ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ की चपेट में 7 लाख घर तबाह। न्यू हैम्पशायर में भारी बर्फबारी, सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम। फ्लोरिडा में कारों पर क्रेन का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। हमास ने इसराइल के एशकलोन पर रॉकेट से किया हमला, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद बलों ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायली सेना का दावा, इसराइल ने मजबूत की अपनी रक्षा प्रणाली। रॉकेट हमले के बाद इसराइल के में अफरा तफरी का माहौल, नेबीवोट गांव में बजे खतरे के सायरन। इसराइल की ओर से दागी गई मिसाइलें, ईरान के दक्षिणी पश्चिम के खुजिस्तान पर हमले की खबर। इसराइल ने दुनिया भर में असुरक्षित दूतावासों को खाली कराया, दूतावासों को सार्वजनिक कार्यक्रमों और सभाओं से बचने के निर्देश। ईरानी धमकियों के बाद आईटीएफ सैनिकों की साप्ताहिक छुट्टी देने से इनकार, अपने नागरिकों से कहा घबराए नहीं। रूस के मोरोजोवस्क एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी वायुसेना के Su-34 लड़ाकू बमबर्षकों ने ठिकानों पर 60 से अधिक धमाके हुए। सुरक्षा के लिए किलेबंदी में जुटा यूक्रेन, रूसी लक्ष्यों को निशाना बना रहे यूक्रेनी टैंक। घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से किए हमले। यूक्रेन के बेलगोरोड पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए, 20 ड्रोन हमलों में से रूस ने 10 ड्रोन हवा में नष्ट किए। सेवक्स में रूसी पैराट्रूपर्स का बड़ा हमला, असॉल्ट व्हीकल से भीषण गोलीबारी, यूक्रेनी सेना के कई मोर्चे तबाह। डोनेस्क में रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन के होवित्ज़र हैंगर पर गोलीबारी की, यूक्रेन की 20 से अधिक होवित्ज़र गन नष्ट। दक्षिण डोनेस्क में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के मजबूत मोर्चों पर किए हमले, Su-34 ने यूक्रेनी सेना पर गिराए बम। एमनेस्टी ने अफगान प्रवासियों को पाकिस्तान से निकालने की योजना को तत्काल रद्द करने का किया आह्वान।
वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, जिस दिन इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा में 7 सहायताकर्मी मारे गए उसी दिन बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को और हजारों बमों की मंजूरी। फरीदाबाद में पुलिसकर्मियों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। स्विमिंग पूल में हुड़दंग मचा रहे युवकों को रोक रहे थे पुलिसकर्मी, 20 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। यूपी में नेपाल सीमा से 3 आतंकी गिरफ्तार, हिजबुल कैंप से हथियार की ट्रेनिंग ले चुका है अल्ताफ बट। दिल्ली के बाराखंबा रोड के पास बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी कारण लिफ्ट गिरा, एक शख्स घायल। छुट्टी पर गए वसारा एयरलाइंस के पायलट, पिछले 2 दिनों में 100 से अधिक उड़ाने रखे। भारतीय कामगारों का जत्था इसराइल रवाना हुआ, सुरक्षा को लेकर एमईए ने इसराइल से संपर्क साधा। कंबोडिया जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए एमईए की एडवाइजरी जारी, कहा आधिकारिक एजेंट के जरिए जाएं। हरदोई में बड़ा हादसा हो गया, पेट्रोल टैंकर में आग के बाद हड़कंप मच गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के लालकुआ इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लग गई आग, मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। दमकल अधिकारी राहुल कुमार ने बताया फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी। दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा में लगी भीषण आग, 4 दुकानें और 2 वाहनें खाक, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। श्रावस्ती के सरकारी स्कूल के गैस सिलेंडर में आग लगी, रसोई घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। एनसीईआरटी की 12वीं के इतिहास की किताब में बदलाव किया गया, 7, 8, 10 और 11वीं के इतिहास और समाजशास्त्र में भी बदलाव किया गया। यूपी में सक्रिय हुए साइबर ठग, नंबर बढ़ाने का दे रहे लालच, काउंसिल ने पत्र जारी करके सतर्क किया। दंगे के आरोपी तौकीर रजा ने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं, मुझे भी जेल में मुख्तार अंसारी की तरह मारना चाहते हैं। मुंबई के कोस्टल रोड के टनल में बड़ा हादसा हो गया, टनल की दीवार से टकराई कार, बाल बाल बची जान। सिफान में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, 12 घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम, लोगों ने जाम की सड़क। हैदराबाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने अपने ही बहनोई की हत्या की। गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, किडनी बेचने के लिए भारत आया था बांग्लादेशी युवक। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों का कंसाइनमेंट पकड़ा है, हाशिम बाबा गैंग को करनी थी सप्लाई। अहमदाबाद में पड़ने लगी भीषण गर्मी, हीट वेव को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां, अगले सप्ताह तक 2 डिग्री तापमान और बढ़ने की संभावना। उत्तराखंड के केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हुई, बर्फ हटाने के चलते प्रभावित हुआ है काम। सीतापुर जेल में बंद आजम खान सहित 12 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी, 22 मुकदमों में आरोप तय हुए, अब चलेंगे मुकदमे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी शोमा सेन की जमानत याचिका पर फैसला आज, 2018 से जेल में बंद हैं शोमा। रिश्वत मामले में सीबीआई ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया, 8 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपी लोक सेवक। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, पूजा अर्चना की। एसबी मिशन सोसाइटी के संस्थापक स्वामी अभेदानंद महाराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बाबा रामदेव। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.3 की तीव्रता। दिल्ली में सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड्स आयोजित, माय होम को मिला सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड्स। आज आईपीएल में हैदराबाद और चेन्नई के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।